चैप्टर पर जो सेकंड टाइम आपका टेस्ट हुआ है, तो उसमें आपने ओपनिंग इन द ओरल केविटी थ्रू विच एयर इंटर इन द विंड पाइप इज कॉल्ड, तो ओरल केविटी का ओपनिंग जिससे हवा जो होती है हवा विंड पाइप यानी ट्रेके में दाखिल होती है, तो उस ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस। ओपनिंग क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। अच्छा जी, इसका जवाब है ए ऑप्शन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कार्टिलेज एक्सेप्ट, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में तमाम हिस्सों में कार्टिलेज होता है। अब वो तमाम हिस्से बताए गए, लेरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकाई है, तो सिवाय ब्रोंकियोल्स के बाकी सब में कार्टिलेज पाया जाता है। अब ब्रोंकियोल एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें ओल का लफ्ज आ गया है, जिसमें कोई कार्टिलेजिनियस रिंग नहीं होता, तो इसका जवाब सी ऑप्शन है। हाँ जी, तीसरा है डबल लेयर ऑफ थिन मेम्ब्रेन विच लाइन एंड कवर द लंग्स, लंग्स की कवरिंग दो लेयर पर मुश्तमिल होती है, उसका जवाब बी है, प्लूरा, बी प्लूरा। चौथी एमसीक्यूज है जी, ड्यूरिंग रेस्ट ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमन इज डैश टाइम पर मिनट, रेस्ट के दौरान बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, 15 से 20 दफ़ा हम सांस लेते हैं। पांचवी एमसीक्यूज है भाई, ब्लड कंटेन डैश ऑक्सीजन पर 100 ml व्हेन हीमोग्लोबिन इज 98% सैचुरेट। अब बता दिया गया, जैसे बताया था सी लेवल पर 20 ml होता है, बाकी जो है ना इस पर जो है ना पर 100 ml 98% होता है, ये 19.6 ml पर 100 ml, ये ए ऑप्शन इसका जवाब है। अच्छा जी, छठी एमसीक्यूज है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच नॉर्मल ह्यूमन ब्लड अब्जॉर्ब एंड कैरीज एट सी लेवल, अभी आपको बताया कि सी लेवल पर चूंकि वहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी जो होती है 20 ml पर 100 ml होती है, यानी ए ऑप्शन इसका जवाब है। सातवीं एमसीक्यूज है, इन विच फार मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टूवर्ड द लंग्स, टिश्यू से लंग्स की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ज़्यादा, तो ज़्यादा ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयन लेके जाते हैं, सी ऑप्शन जवाब है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन की सूरत में होती है। आठवीं एमसीक्यूज, इन फिश हार्ट ऑलवेज रिसीव, आपको पता है कि फिश के अंदर सिंगल सर्किट होता है और एक ही ब्लड आता है, कौन सा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये कार्बोक्सिलिक ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, बी ऑप्शन इसका जवाब है। हाँ जी, नामा, मोर देन 10 कंपाउंड्स ऑफ द टार ऑफ द टोबैको स्मोक आर इंक्लूडेड, तो क्या काज करते हैं ये? ए ऑप्शन जवाब है इसका, कार्सिनोमा, कार्सिनोमा केमिकल्स इनको बोलते हैं। अच्छा जी, ब्रेक डाउन ऑफ एल्वियोलाई ऑफ लंग इज, एल्वियोलाई ऑफ लंग की ब्रेक डाउन में एक बीमारी होती है, उस बीमारी कहते हैं, बी ऑप्शन जवाब है इसका, एम्फीसीमा, एम्फीसीमा को स्मोकर कफ भी कहा जाता है। ग्यारहवा एमसीक्यूज है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज कॉमन इन इन्फेंट विद गेस्टेशन एज लेस देन, अभी बताया आपको नॉर्मल गेस्टेशन एज जो होती है वो 9 महीने 10 दिन होती है, जो जल्दी बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो सकता है उनकी उम्र 7 महीने या इससे कम होती है, तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, 7 मंथ। अच्छा, हीमोग्लोबिन इन मैन इंक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड टू अबाउट, तो हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है? ये सिंपल सा सवाल है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, 75 टाइम बढ़ा देता है, 75 टाइम। तो 13वां एमसीक्यूज है, व्हाट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर विच ऑलवेज रिमेन इनसाइड द लंग्स, बताया आपको रेजिडुअल वो वॉल्यूम होता है जो हमारे लंग्स में रहता है यानी जो बाहर नहीं जाता, जिसको आप स्टे लेयर कहते हैं, वो 1.5 लीटर होता है, डी ऑप्शन इसका जवाब है। हाँ जी, 14वां एमसीक्यूज है कि ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम वेंटिलेशन है, ब्रीदिंग है, ठीक है ना, तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब है।
तो 15 MCQs है भाई, डैश आर द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस इन लैंड प्लांट। तो मेन साइट जो है ना वो स्टोमेटा होते हैं, ए ऑप्शन इसका जवाब है। और 16 MCQs है भाई, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो आपकी बुक में फोटो रेस्पिरेशन में दिया गया है वो ग्लाइसिन है, और ग्लाइसिन का फार्मूला आप दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तमाम 20 किस्म के अमीनो एसिड में से सबसे सादा अमीनो एसिड ग्लाइसिन है। नंबर ऑफ स्पेरिकल्स इन काक्रोच, थोरेक्स, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर एक डिफरेंट कर दिया गया इसको, थोरेक्स में होते हैं 4 यानी 2 pair, तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, 2 pairs। चलिए जी अब आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन वाटर। तो ये पहले पेज पर सवाल दिया हुआ है डिसएडवांटेजेस। पहली बात तो आप कहेंगे कि एयर के अंदर हवा 20 ml होती है तो वाटर के अंदर होती है 10 ml, एक हवाले सॉरी 200 ml होती है एयर के अंदर, उसमें 10 ml होती है, एक फ़र्क ये हो गया। वाटर जो है ना 8000 times ज़्यादा विस्कस होता है, डिफ्यूजन उसमें कम हो सकती है, तो ये 3-4 फैक्टर आप बताएंगे, तो पूरा आपने लिखना है। डिफरेंस बिटवीन फोटो रेस्पिरेशन एंड डार्क रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फोटो रेस्पिरेशन और डार्क रिएक्शन, इनमें एक सिमिलरिटी भी है, सिमिलरिटी ये है कि दोनों में ATP और NADPH इस्तेमाल होते हैं। फ़र्क ये है, फोटो रेस्पिरेशन का अमल जो होता है लाइट की मौजूदगी में होता है, डार्क रिएक्शन जो होता है ये अंधेरे में होता है। फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को फिक्स किया जाता है, डार्क रिएक्शन में फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को फिक्स करते हैं, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन जो है ना C2 साइकिल है, डार्क रिएक्शन C3 साइकिल है, एक फ़र्क ये हो गया। अच्छा जी, रोल ऑफ गिल रैकर, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन दिया है ये आपको फिगर के हवाले से दिया है, मछलियों के गिल्स में आपको बताया था कि मछलियों के गिल्स की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, एक होता है गिल आर्क, पट्टी सी होती है जिसने होल्ड किया होता है दो स्ट्रक्चर्स को, फिलामेंट्स को और गिल रैकर्स को, फिलामेंट्स और गिल रैकर को। अब गिल रैकर और का फिलामेंट्स का क्या काम होता है, फिलामेंट्स के ऊपर तो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज जब पानी दाखिल होता है मुंह से और गिल से निकलता है तो गिल रैकर से क्रॉस करते हुए फिलामेंट से होते हुए पानी बाहर जाते हैं। इनका काम, गिल रैकर का काम होता है जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनको ये जो है ना अपने साथ पकड़ लेते हैं, छोटे जानवरों को जो कि मछली की खुराक होते हैं उनको ये पकड़ते हैं। तो आप कह सकते हैं गिल रैकर्स आर दी स्ट्रक्चर विच आर अटैच्ड इनसाइड दी गिल आर्क, दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट फूड पार्टिकल्स टू गो आउट। दोबारा बता रहा हूँ, गिल रैकर्स आर दी स्ट्रक्चर अटैच्ड टू दी गिल आर्क इनसाइड ऑफ द गिल आर्क विच प्रिवेंट फूड पार्टिकल्स टू गो आउट, फूड पार्टिकल्स को बाहर जाने से रोकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स, बताया हुआ है आपको बर्ड्स की रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट इसलिए होता है कि बर्ड्स जो हैं वो हाई मेटाबॉलिक रखते हैं, इनका ऑक्सीजन कंटेंट इनके अंदर ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। और इसके अलावा इनमें एल्वियोलाई नहीं होते, इनमें पैराब्रोंकाई होते हैं। रोल ऑफ डायफ्राम एंड रिब्स, ये बहुत अहम सवाल है, रिब्स और डायफ्राम का रोल बताना है आपने। अब देखना ये है कि हमारी जो रिब्स हैं ये क्या करती हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, और डायफ्राम का क्या रोल होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो आपकी बुक में ये 3 points दिए हुए हैं, उसमें आपने बताना है, लास्ट 2 points लिखने हैं मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन में, कि जो चेस्ट कैविटी का फ्लोर है इसको कहते हैं डायफ्राम। अब ये जो डायफ्राम है ये डायफ्राम ऐसे है, इसके ऊपर आपके लंग्स रखे हुए हैं, इनके गिर्द जो है ना वो चेस्ट कैविटी है, ठीक है ना जी। अब इसकी मूवमेंट जब ये रिलैक्स करेगा, दो अंदाज से इसकी मूवमेंट होती है, आपने याद रखना है कि जब ये रिलैक्स करेगा डायफ्राम, जब ये रिलैक्स करता है तो रिलैक्स के दौरान
ये डोम लाइक हो जाता है, इस तरह हो जाता है डोम शेप। रिलैक्स के दौरान ये क्या हो जाता है, डोम शेप। अच्छा जी, जब ये कंट्रैक्ट करता है ये लेस डोम शेप हो जाता है। अब ये दो लफ्ज़ याद करने हैं आपने, ये दो लफ्ज़ लिखने हैं यही कि इंस्पायरेशन में ये कंट्रैक्ट करता है तो लेस डोम शेप हो जाता है, तो मैक्सिमम हवा अंदर दाखिल होती है। इन जो एक्सहेलेशन में ये रिलैक्स करता है, ये डोम शेप हो जाता है और लंग्स को पीछे से पुश करता है जिससे वो कंट्रैक्ट करते हैं और हवा बाहर निकालते हैं। अच्छा जी, दूसरा बताना है आपने रिब्स के बारे में। रिब्स के दरमियान जो है ना, रिब्स के दरमियान मसल्स होते हैं जिनको रिब इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। ये इंटरकॉस्टल मसल भी जब ये रिलैक्स करते हैं, इंटरकॉस्टल मसल जब ये रिलैक्स करेंगे तो इनके रिलैक्स करने से हमारी जो पसलियाँ होती हैं वो जो है ना समझ लें कि वापस आ जाती हैं, पसलियाँ हमारी सेटल डाउन हो जाती हैं लंग्स के ऊपर। जब इनके मसल सुकड़ेंगे तो पसलियों के पसलियाँ जो होंगे लंग्स के ऊपर वापस आ जाएंगे, तो इसकी वजह से लंग्स पर दबाव पड़ेगा और ज़्यादा हवा खारिज होगी। जब इसके मसल कंट्रैक्ट करेंगे तो ये वापस थोड़ा सा ऊपर उठेंगी और लंग्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, मैक्सिमम हवा हम ले सकेंगे। तो ये मैकेनिक्स वाले टॉपिक में आखिरी दो पॉइंट्स आपने यहाँ पर लिखने हैं। हाँ जी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम अभी बताया भी है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है ये उन बच्चों को होता है जो जल्दी पैदा हो जाते हैं, जिनका गेस्टेशन पीरियड कम होता है। ज़ाहिर है जब जल्दी पैदा होते हैं तो उनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर नहीं बननी होती। होता क्या है इनके अंदर कि इनके जो एल्वियोलाई होते हैं उन एल्वियोलाई के सतह पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से इन दो लेयर्स के दरमियान सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। इन दो लेयर्स के दरमियान जब सरफेस टेंशन बढ़ेगी तो इन एल्वियोलाई की पोजीशन ऐसे हो जाती है, ये कोलैप्स हो जाती है। कोलैप्स वजह क्या है कि इनके अंदर सरफेक्टेंट नहीं बनता, इस म्यूकस लेयर में सरफेक्टेंट नहीं बनता। किन बच्चों में? उन बच्चों में जिनका गेस्टेशन पीरियड कम होता है। सरफेक्टेंट ना बनने से इन दो लेयर्स के ऊपर जो म्यूकस लेयर है उसकी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का मतलब समझना है इन दो लेयर्स की आपस में अट्रैक्शन ड्यू टू वाटर, वाटर की वजह से म्यूकस की वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाती है जिससे ये कोलैप्स हो जाते हैं। अगर इनमें जो है ना सरफेक्टेंट नहीं होगा, जो बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं उनमें सरफेक्टेंट बनता है, सरफेक्टेंट लिपोप्रोटीन की तह बनती है, वो लिपोप्रोटीन की तह इसकी सरफेस टेंशन को बढ़ा देती है, सरफेस टेंशन इसको बढ़ा देती है जिसकी वजह से ये लेयर्स आपस में नहीं मिल पाती। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में सरफेस टेंशन बढ़ जाने की वजह से, कम हो जाने की वजह से ये लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। अस्थमा, अस्थमा एलर्जिक डिजीज़ है और इसमें ये होते हैं कि हमारी जो सांस की नालियाँ होती हैं वो स्पाजमोडिक कंट्रैक्ट हो जाती हैं और इसके अलावा इसमें इन्फ्लेमेटरी सबस्टांट हिस्टामिन ज़्यादा पैदा होता है और इसकी वजह पोलन्स हैं, ह्यूमिडिटी, ये सारा आपने लिखना है। डिफरेंस बिटवीन मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन, दोनों रेस्पिरेटरी प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में पाई जाती है, चार चेन पर मुश्तमिल रहती है, चार ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है। मायोग्लोबिन आपकी मसल की प्रोटीन है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होती है, एक ऑक्सीजन को कैरी करती है। लेकिन अगर इनका मुवाजना किया जाए तो इसमें मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन को कैरी करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है बनिस्बत हीमोग्लोबिन। कंपोनेंट ऑफ ब्रीदिंग सिस्टम ऑफ मैन, ब्रीदिंग सिस्टम ऑफ मैन के आपने हिस्सों के नाम लिखने हैं, नास्ट्रल, नेजल केविटी, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई एंड लंग्स, ये हिस्सों के नाम बताएं। स्क्यूबा डाइवर्स के बारे में बताना है कि स्क्यूबा डाइवर्स क्यों प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, अभी बताया आपको, क्योंकि जब हम पानी में जाते हैं तो हमारे चेस्ट पर पानी का दबाव होता है तो नॉर्मल तरीके से हमारे लंग्स जो है ना कंट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकते, तो हमें प्रेशराइज्ड एयर चाहिए होती है, प्रेशराइज फ्रेश एयर चाहिए होती है, तो इस वजह से वो ऑक्सीजन के सिलेंडर यूज़ करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में रेस्पिरेशन ऑफ ऑक्सीजन और रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ
मैन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स सवाल है, तो ये आप मेरे लेक्चर से देख लेंगे, वैसे आपको पढ़ा भी दिया था तो इनको डिटेल्स वहाँ से देखेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छे तरीके से चेक करना है ताकि आपका पेपर आपको समझ आ जाए। अल्लाह हाफिज़।